हाँ यहाँ पे देखो कैसा जल्दी जल्दी चलते हुए जा रहे, ये लोग पूरे कहाँ जा रहे भाई इतना जल्दी जल्दी में, क्या है अर्जेंट कहाँ तो जा रहे बोल के सोच रहे क्या? हाँ जो आपने नारायण राव पटेल साहब है ना माजी MLA अभी कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज, उनके पास जा रहे हाँ उनके पास कहीं गुजार रहे भाई इतने सारे लोग बोल के सोच रहे होंगे। तो इनका प्रॉब्लम ये है गैसो गवर्नमेंट थी ना, गैसो गवर्नमेंट के जब हुकूमत के जब वहाँ पे डबल बेडरूम इनको सेंक्शन आए सब लोगों को, जब बोल तो पिछले 6 महीने के पहले पट्टे भी दे दिए, पट्टे देने के बाद अभी तक उनको वहाँ पे डबल बेडरूमों में नहीं बिठाए। तो उन्होंने क्या बोल रहे बोले तो जल्द से जल्द हमको डबल बेडरूमों में हमारे रूम पूरे सेंक्शन करना, बोल तो हमारे नाम पे हमको दे देना और वहाँ पे बिठाना बोल के बोले। ये देखो बाजी तो पिछले 6 महीने से RDO ऑफिस में घूम रहे थे लेकिन अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया। सुनो 11 बजे तो आप लोग सुने ना, पिछले 6 महीने से ये बाजी घूमते चले रहे थे RDO ऑफिस में लेकिन उनको रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फिर क्या करना क्या नहीं बोल के ये MRO ऑफिस को गए, MRO ऑफिस से रोड पे इधर डबल बेडरूम आकर इधर उधर धरना करके पूरा अब वहाँ पे थक जाके लास्ट में नारायण राव पटेल सबके पास आए। नारायण राव पटेल सबके पास आने के बाद उन्होंने क्या करे बोले तो जो वो पट्टा रहता ना पट्टा ले लेके हाथ में देख लिए क्या तो भी खिस्सा है बोल के पट्टा पढ़ के फिर साथ ही क्या करे बोले तो फोन निकाल के एक फोन घुमाए, एक फोन घुमा के मारते साथ ही वहाँ पे ऑफिसर को फोन लग गया। ऑफिसर को पूछे भाई ये क्या खिस्सा है, ये पूरे लोग आके मेरे पास जमा हो गए फिर ये क्या खिस्सा है बोल के उनको ऐसा फोन लगा के मालूम कर लेते, साथ ही उन्होंने प्रॉब्लम बोल दिए। ये प्रॉब्लम क्या है बोले तो इनका 5 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को सेंक्शन देना बोल के इन्हों प्रोसीडिंग भेज दिए कहते RDO साहब। तो 5 करोड़ आए तो उसमें से क्या है बोले तो वहाँ पे ड्रेनेजा रोडा और CC रोडा लाइटिंग पूरे वहाँ पे बिटा के अच्छा वहाँ पे उनको रेसर का बना के उनको देने के वास्ते इतने दिन रुकाया कहते। तो वो कब सेंक्शन होते साहब बोले तो साहब बोल रहे सुनो इसका 5.5 करोड़ रुपए का प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजे थे ट्रेन लाइट इसके बारे में। ये गवर्नमेंट चेंज हो गए, चेंज होने के बाद ये गवर्नमेंट अभी पॉलिसी डिसीजन नहीं ली। 5.5 करोड़ रुपए वहाँ है, मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, एक्चुअल क्या पॉलिसी करते गवर्नमेंट क्या सिचुएशन है क्या का इनका जो मेरे को कागज भेजते बोले 5.5 करोड़ का, अरे गवर्नमेंट में मैं बात करके सैंक्शन करा दो और पॉलिसी डिसीजन भी 10-15 दिन लगेंगे क्लियर होगा। पॉलिटिशियन बोल तो अभी असेंबली स्टार्ट होता है, असेंबली स्टार्ट होने के बाद ये रही तो बंद कितने एक दस मिले तो डबल बेडरूम का क्या करना ये असेंबली में डिस्कस करते करते जुड़े या 5-10 करके असेंबली स्टार्ट होता है। अपन CM साहब को उसके हाउसिंग मिनिस्टर मंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी है उनके नज़र में लेके आए थोड़ा जितना हो सके होता गरीब लोगों के मदद करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले भी मैं MLA था जब 10 साल में 50,000 गरीब लोगों को खाना बना 50,000 तुम्हारे भैंसे में भी ओएसी नगर में पट्टा दिलाया सब सबको दिलाया सबको गरीबों को दिलाया और यहाँ भैंसे में भी 3-4 हजार उधर मकान बनाए और अभी देश में रहते नहीं करेंगे। अभी उनमें जो लोगों को मकान नहीं है अभी इंद्रम्मा के मकान आ रहे 5 लाख के जो भी वहाँ बेसमेंट है जो लोग नहीं बंद कर लिए बंदे नहीं बंदे वो लोगों को 5 लाख रुपए भी अपन सैंक्शन कराएंगे और भी लोगों को। और इसके बारे में जो 5.5 करोड़ रुपए का जो बजट भेजे हुए ट्रेन और इलेक्शन प्लाट्स है नहीं है जिसको प्लाट जिसका खुद की जगह है वो लोगों का भी महीने में पॉलिसी उसका 3,500 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को लोन सैंक्शन हुआ। आज भी CM साहब जाके सेंट्रल से पूछे जिनको मकान नहीं है वो लोगों को सबको अपन 1-2-3-4 दफा दिलाएंगे। इससे पहले 5 लाख रुपए जिसको जगह है उसको 5 लाख रुपए दिला सर हमारे पास जगह नहीं है हम कौन जाते हैं आप
कांग्रेस का ही है। करोड़ का वो मैं श्रीनिवास रेड्डी को बात करके सैंक्शन करने लगा था, फिर भी ये डबल बेडरूम के ऊपर अभी गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ली, ये असेंबली में लेते जब तक अपने को रुकना पड़ता, जब कुछ नहीं कर सकते। और जो मकान तुमको आलाट नहीं हुआ, जो लोग जाके रहे तो आर्मी को निकाल देते पुलिस वाले, जिसको है वो नहीं सर। तुमको मकान होना ना, सोमवार के दिन कलेक्टर को मैं बोलता हूँ, ग्रीवेंस रहता जिसके जिसके मकाना है उसको आलाट हुआ तुम दरखास्त लिखे दो, कलेक्टर इंक्वायरी करके जिसको है उसको निकाल देते। तुम्हारे वो पैसे में तकरीबन 6000 जिम्मेदारी लिया ना, पेंशन अप्लाई करो आ जाता हमारे खुद की जगह है तो 5 लाख रुपए पेंशन कर। अभी प्लाट तो नहीं है, जगह नहीं ले सकते।